वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी अनुशासन पखवाड़ा पर शुरू है, जहां पर गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन उसके बाद भी कठपुतली के बाजार खुले हैं, अनुमति नहीं दी गई है, जिसके बाद व्यापारियों ने प्रतिष्ठान खोलकर दुकानदारी चालू कर रखी है। सूचना पर कोतवाली प्रशासन ने बाजारों को गश्त किया, सभी प्रतिष्ठानों को बंद करवाया, 20 दुकानदारों को भी नगर पालिका का सीज कर दिया गया। 72 घंटे के लिए बहुत से दुकानदार दुकानों का शटर बंद कर अंदर दुकानदारी कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने डंडे बरसाए, उसके बाद लोगों से बात भी की। प्राइम बी की न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट कोटपुतली से राजकुमार शर्मा। 2 दिन के कर्फ्यू के बाद में अभी 15 दिन का जन अनुशासन पखवाड़ा जो सरकार की तरफ से शुरू किया गया है, उसके तहत जो सरकार के आदेश हैं, जिसमें कुछ दुकानें एग्जेम्प्ट की गई, उसके अलावा पूर्णतः मार्केट बंद रहेगा और मूवमेंट आवश्यक सेवाओं के अलावा बंद रहेगा, उसी के तहत हमने पूरा मार्केट घूमा है। सभी अधिकारी यहाँ के जो SDM मैडम हैं और तहसीलदार जी हैं, CO साहब हैं, SHO, पूरी टीम, हमने सारी दुकानें चेक की है। जो दुकानें अनावश्यक रूप से खुली थी उनको सील करवाया गया है, करीब 20 दुकानों के आसपास सील की है। बाकी आम जन को हमने ये रिक्वेस्ट की है कि भी बिना काम यहाँ पे नहीं घूमें और 15 दिन का जो सरकार का आदेश है उसकी पालना करें, ताकि कोविड के ऊपर अपने कंट्रोल कर सकें। इसके तहत हमने शहर में करीब 3 जगह नाके भी लगाए हैं टेंट लगा के, और पुलिस और जो मेडिकल टीम है उसके तहत हम चेकिंग शुरू करेंगे, जिसमें टेम्परेचर चेकिंग का जो मेन है, जो शहर में आने वाले लोग हैं बाहर से उनको चेक किया जा सके, और रैंडम सैंपलिंग, जैसे बस स्टैंड है, मेन मार्केट है, इसके इन जगहों पे रैंडम सैंपलिंग की भी सुविधा अभी शुरू की जा रही है, और BDM हॉस्पिटल को भी SDM मैडम द्वारा स्ट्रेंथन किया गया है, ताकि यहाँ पे इमरजेंसी के तौर पे कुछ बेड निर्धारित किए हैं और अन्य जो सुविधाएं हैं उनको और रिव्यू करके और इसको किया जा रहा है, ताकि अगले 15 दिन तक किसी भी तरह की समस्या आमजन को नहीं आए और सरकार का जो मंशा है कि कोविड पर कंट्रोल कर सकें, उसके लिए हमारा जो प्रयास है उसमें हम सफल हो। लेकिन सर फिर भी कुछ लोग नहीं मान रहे, तो उनको आप कैसे समझाइश कर रहे हैं? आज हमने काफ़ी लोगों को समझाइश की है, बताया है, काफ़ी लोग समझे हैं, और कल से हम इसमें सख्ती करेंगे। जो महामारी एक्ट के तहत चालान है, इंजेक्ट का चालान है, अन्य जो पुलिस की कार्रवाई है वो हम सारी शुरू करेंगे, और आज हमने समझाइश का शुरू किया है, तो शहर में इसके लिए सभी को हम ये उम्मीद करते हैं कि आमजन पूरा सहयोग करेगी प्रशासन और पुलिस का, और जो सरकार के आदेश है उनकी पालना की जाए। थैंक यू। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।